महिला सशक्तिकरण को लेकर थाना डिलारी में महिला हेल्प डेस्क का किया गया शुभारंभ। थाना डिलारी में आज उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार महिला सशक्तिकरण को लेकर डिलारी ब्लॉक प्रमुख व नगर पंचायत अध्यक्ष गुड्डी फारूक ने फीता काट कर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। वहीं क्षेत्राधिकारी सीओ ठाकुर द्वारा अनूप यादव, डिलारी थाना इंचार्ज सतराज सिंह ने थाने में महिलाओं और पुलिस के साथ बैठक कर मीटिंग का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ठाकुर द्वारा क्षेत्राधिकारी सीओ डॉक्टर अनूप यादव ने की। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई महिला हेल्प डेस्क नंबरों को नोट कराया कि जिससे महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ व उत्पीड़न को रोका जा सके। वहीं थाना अध्यक्ष सतराज सिंह ने क्षेत्र से आई लड़कियां व महिलाओं को हेल्प डेस्क नंबर नोट कराते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत पुलिस को जानकारी देने का अनुरोध किया। वहीं क्षेत्राधिकारी सीओ अनूप यादव, थाना डिलारी थाना अध्यक्ष सतराज सिंह की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान मौजूद महिलाओं को महिला हेल्प डेस्क नंबर उपलब्ध कराते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत 112 या थाना प्रभारी को सूचना देने की बात कही। वहीं डिलारी थाना प्रभारी ने बैठकर महिलाओं को विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए महिला हेल्प डेस्क नंबर नोट कराया और कहा कि अगर किसी गांव, बाजार, गली मोहल्ले में मनचले किसी भी तरह की हरकत या पंक्तियां कसते हुए नजर आते हैं तो महिलाएं इसकी सूचना हेल्प नंबर के अलावा थाने को भी दे सकती हैं। इस अवसर पर थाने में सभी तैनात उप निरीक्षक व हेड कांस्टेबल डिलारी, ब्लॉक प्रमुख पूनम चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष छकिया गुड्डी, फारूक ग्राम प्रधान, रिजवान ग्राम प्रधान, पूजा आदि मौजूद रहे। डिलारी मुरादाबाद से अशरफ अली की रिपोर्ट। जी सर, मिशन शक्ति के तहत जो आज डिलारी थाने में शुभारम्भ किया गया, सर इससे क्या सम्मान मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव जागृत हो, उन्हें ये लगे कि पुलिस हमारे लिए 24 घंटे तत्पर है हमारी सुरक्षा में, उसको एक मुख्य रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है, जिसके तत्वाधान में हर एक थाने पर महिला हेल्प डेस्क, जिसके एक महिला हेल्प डेस्क ऑफिसर को बैठाया गया है, जो रोस्टर वाइज वहाँ पर एक महिला डेस्क ऑफिसर हमेशा बैठी रहेंगी और जो भी महिलाएं आती हैं अपनी समस्याओं को लेकर के उनकी समस्याओं को सुनेंगी, उसका निस्तारण करेंगी और आवश्यकता पड़ेगी तो उसको जो है सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी बात को पूछते हैं। सर, निस्तारण कितने घंटे में होगा, कितने दिन में हो सकता होगा इसका? जो भी उनकी समस्या है वो समस्या पर निर्भर करेगा कि समस्या किस तरह की है, लेकिन उसका निस्तारण मिनिमम समय में होगा, कम से कम समय में होगा और पूरी तरीके से दक्षता के साथ उसमें काम किया जाएगा, कम से कम समय में उसका निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद।